हेलो फ्रेंड्स, मेरे पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं और काफ़ी सारी सीधी रेखाएं फिंगर्स के ऊपर बहुत ही क्लियर दिखाई दे रही हैं, जो इनकी बहुत ही फ्रेंडली नेचर को शो करती हैं। काफ़ी अच्छी और फ्रेंडली नेचर है, और जो थोड़ा सा गैप यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी इंडिपेंडेंट नेचर भी रहेगी। अदरवाइज यहाँ पर इनकी नेचर जो है बहुत ही सौम्य शो हो रही है, बहुत ही अच्छी इन लाइनों की वजह से जो कि सारे फैलेंजेस के ऊपर मौजूद हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनकी फिंगर्स हैं उनमें जो बृहस्पति है और जो अपोलो है, दोनों की जो लंबाई है बिल्कुल एक समान नज़र आ रही है। तो दोनों की क्वालिटीज़ इनके अंदर रहेंगी, काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ रहती हैं, फैमिली से सुख मिलता है। और दूसरी चीज़, सूर्य की फिंगर की लेंथ अच्छी होने की वजह से अच्छा नेम एंड फेम और रिकॉग्निशन मिलती है सोसाइटी में। तो यहाँ पर दोनों ही फिंगर्स की लेंथ काफ़ी अच्छी है, थिकनेस काफ़ी अच्छी है, जो एनर्जी और स्टैमिना इनको भरपूर देगी। और अगर शनि की बात की जाए, शनि की फिंगर की लेंथ भी काफ़ी स्ट्रांग है, और इवन जो इनकी हथेली है वो भी काफ़ी स्क्वायरिश टाइप की नेचर में शेप में नज़र आ रही है, जिसकी वजह से काफ़ी मेहनती नेचर भी इनकी रहने वाली है। और अगर हम मरकरी की बात करें तो मरकरी यहाँ पर फर्स्ट फैलेंज तक पहुँच रही है, बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं है, थोड़ी सी शॉर्ट है, थोड़ी सी टिल्टेड फिंगर दिखाई दे रही है, जो यहाँ पर एवरेज लेवल की कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाती हैं। थोड़ी सी लो सेट भी है फिंगर, जो थोड़ी शाइनेस को भी यहाँ पर शो करती हैं। ओवरऑल फिंगर्स यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके माउंट्स को, फिंगर्स की सेटिंग को किस तरह से है। तो सबसे पहले तो एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूँगा आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा हाई सेट हमें सैटर्न फिंगर नज़र आ रही है, और उसके बाद अपोलो एंड बृहस्पति की फिंगर्स हैं, और जो मरकरी है वो थोड़ा सा लो सेट है, ज़्यादा नहीं, उभरा हुआ मरकरी है वैसे तो। तो ओवरऑल कोई ज़्यादा यहाँ पर सेटिंग में प्रॉब्लम नहीं है, फिंगर्स की जो स्ट्रेंथ है काफ़ी अच्छी है, थिकनेस काफ़ी अच्छी है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स सभी माउंट्स से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए वन बाई वन सारे माउंट्स को देख लेते हैं, क्या क्या चिन्ह हैं इनके माउंट्स के ऊपर, थोड़ा क्लोजअप लेकर, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे और लाइंस को भी यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ बहुत ही क्लियर क्रॉस का चिन्ह इनके यहाँ पर, इनके बृहस्पति माउंट के ऊपर, जिसको हम बहुत शुभ मानते हैं। इस तरह का क्रॉस यहाँ पर बनना बृहस्पति माउंट के ऊपर इस माउंट को और भी प्रोमिनेंट कर देता है। यहाँ पर इस तरह का क्रॉस बनने से व्यक्ति को नॉलेज गेन करने की बहुत डिज़ायर रहती है, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं जिनके भी हाथ में ऐसा क्रॉस हो। और ख़ास तौर पर फैमिली का सुख बहुत अच्छा रहता है, मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी रहती है इस क्रॉस की वजह से। ओवरऑल यहाँ पर माउंट को स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं मिल पा रहा, लेकिन जो चिन्ह हैं इनके बृहस्पति माउंट के ऊपर वो बहुत अच्छे हैं, और एवरेज लेवल का बृहस्पति माउंट है, अच्छा क्रॉस है यहाँ पर। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऊपर की तरफ उठने वाली लाइंस भी नज़र आ रही हैं, जिनको हम प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं, तो जिसकी वजह से लाइफ में प्रोग्रेस भी काफ़ी अच्छी रहती है। तो यहाँ पर बृहस्पति मुझे काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स देता हुआ नज़र आ रहा है। शनि की बात की जाए तो शनि भी यहाँ पर अच्छी पोजीशन में है, काफ़ी अच्छी स्पेस हम शनि माउंट की यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको नज़र आएगा शनि जो है काफ़ी उभरा हुआ है और अच्छी पोजीशन है, और साथ ही साथ शनि की लाइन यहाँ से कुछ इस तरह से चलती हुई, जो एक 36 के आसपास की एज में थोड़ा सा अपना रास्ता चेंज कर रही है, लेकिन आगे फिर से बहुत स्ट्रांग होकर बढ़ रही है। तो यहाँ पर इस तरह की शनि रेखा होना बहुत ही अच्छा है इनके लिए, इवन बहुत प्रोग्रेस रहती है, कंफर्ट्स रहती हैं लाइफ में, जिनकी भी सैटर्न लाइन कुछ इस तरह से होती है। सूर्य रेखा की बात की जाए तो बहुत ही डीप है, और यहाँ पर फोर्क भी बन रहा है कुछ इस तरह का। तो सूर्य रेखा जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबाई में नहीं है, जो शो करती है अच्छे रिजल्ट्स आफ्टर द एज ऑफ 45 to 50।
यहाँ पर 45-50 के बाद की एज में अच्छी सोसाइटी में रिकॉग्निशन रहती है। यहाँ पर बहुत स्ट्रांग सूर्य रेखा मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन बहुत लॉन्ग नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन रेखा तो स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा लंबाई में नहीं है यहाँ पर। और आगे देखते हैं, यहाँ पर इनका मर्करी माउंट के ऊपर कुछ खड़ी रेखाएँ यहाँ पर हैं हल्की, जो एक अच्छा चिन्ह है। यहाँ पर मर्करी माउंट को स्ट्रांग करता है। ओवरऑल यहाँ पर मर्करी माउंट और अपोलो माउंट के बीच में लूप ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा बन रहा है इनके हाथ में। आप जो यह घुमावदार रेखाओं से बनने वाला लूप, जिसको हम लूप ऑफ ह्यूमर का नाम देते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से व्यक्ति काफ़ी हंसमुख स्वभाव का होता है, हंसी मजाक करने की नेचर रहती है, और ख़ुद भी हंसते रहना और दूसरों को हंसाते रहना, ऐसी नेचर भी व्यक्ति की रहती है। तो ओवरऑल यहाँ पर माउंट्स में कोई भी किसी भी तरह की मुझे प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, तो काफ़ी अच्छे माउंट्स हैं इनके ओवरऑल। तो आगे बढ़ते हैं लाइंस की तरफ। माउंट्स को चेक करने के बाद सबसे पहले हार्ट की लाइन की ही बात करना चाहूँगा। तो हार्ट की लाइन यहाँ पर इनको एक इमोशनल नेचर का पर्सन दिखा रही है, और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्रांचेज हार्ट की लाइन से नीचे की तरफ निकलती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत छोटी छोटी ब्रांचेज हैं, यह व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इमोशनल बनाती है। तो इस तरह की ब्रांचेस का होना इमोशनल नेचर को शो करता है। दूसरी चीज़, यहाँ पर हार्ट की लाइन का ऊपर की तरफ कर्व होना, मुड़कर दोनों जो माउंट्स हैं शनि और बृहस्पति, इन दोनों माउंट्स के बीच में यहाँ तक पहुँचना एक इस तरह का योग बनाता है कि व्यक्ति बहुत ही इमोशनल नेचर का होता है। ओवरऑल यहाँ पर कोई भी नेगेटिविटी नहीं है लाइन में, किसी भी तरह की कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। थोड़ी सी डबल हो रही है यहाँ पर लाइन आकर, जो इस लाइन को थोड़ा सा वीक कर रही है यहाँ पर कुछ इस तरह से। तो ओल्ड एज में चलकर हार्ट से रिलेटेड थोड़ी सी दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं होगी, जैसे ब्लड प्रेशर रिलेटेड कुछ ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो अभी तो वैसे कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर भी अपनी हेल्थ का एक्सरसाइज वगैरह करके इनको ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल काफ़ी अच्छी हार्ट की लाइन है, इमोशनल नेचर है। आगे देखते हैं यहाँ पर इनकी माइंड की लाइन को। तो माइंड की लाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी माइंड की लाइन मुझे नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर माइंड की लाइन में एक आइलैंड बनना बहुत शुभ नहीं माना जाता। थोड़ा सा मानसिक तनाव जैसी दिक्कत का इनको सामना करना पड़ सकता है मिडल एज में चलकर, जो माइंड की लाइन से यहाँ पर शो हो रहा है। ओवरऑल आगे चलकर कोई भी दिक्कत नहीं है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है लाइफ में मिडिल एज में चलकर, जिसकी वजह से थोड़ा मानसिक तनाव इनको रह सकता है, लेकिन उसके बाद की लाइन को अगर आप देखें, इस आइलैंड के बाद की लाइन को, तो बहुत ही स्ट्रांग है और आगे चलकर बाई फोर्क हो रही है लाइन, बहुत ही स्ट्रांग माइंड को शो करती है। तो यहाँ पर कोई भी अगर हमें मुश्किल आती है लाइफ में, तो हमें स्ट्रांग बनाने के लिए आती है। तो ऐसी चीज़ें मैंने बहुत से हाथों में देखी हैं जो कुछ प्रॉब्लम को शो करती हैं, लेकिन उसके बाद की लाइफ जो होती है बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का इनके हाथ में नज़र आ रहा है। जो माइंड है काफ़ी शार्प है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले लाइन बिल्कुल सीधी चल रही है कुछ इस तरह से, और आगे चलकर थोड़ा सा झुकाव नीचे की तरफ हो रहा है, जो शो करता है थोड़ी सी इमेजिनेशंस का बढ़ना, थोड़ी सी कल्पनाशीलता का बढ़ना मिडिल एज के बाद। तो यहाँ पर इस लाइन को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि एक ही यहाँ पर प्रॉब्लम शो हो रही है, अदरवाइज ये लाइन काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी शार्प माइंड इनका यहाँ पर नज़र आ रहा है। आगे देखते हैं इनकी फेट लाइन को और इनकी लाइफ लाइन को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फेट लाइन जो लगभग हथेली के सेंटर से चलती हुई, और बाहरी सपोर्ट भी यहाँ पर इनको मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि फेट लाइन में आकर कुछ लाइनों का जुड़ना बाहरी सपोर्ट को शो करता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की लाइंस जो जुड़ रही हैं, और लगभग 36 के आसपास की एज तक यहाँ तक बिल्कुल सीधी लाइन, और 36 के बाद की एज में कोई चेंज प्रोफेशन में, कोई फाइनेंस में, जो भी जो कि पॉजिटिव होगा। तो यहाँ तक हम देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रांग लाइन का शो करना, कंफर्टेबल लाइफ को शो करता है। शुरू में थोड़ी सी दिक्कतें रही होंगी यहाँ पर इन द बिगनिंग ऑफ फेट लाइन, लेकिन आगे जैसे जैसे ये लाइन स्ट्रांग हो रही है और बाहर की लाइन्स आकर जुड़ रही हैं, तो और भी स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है यह लाइन। तो फेट इनकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है, यहाँ पर कोई भी मुझे मेजर प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, काफ़ी स्ट्रांग फेट की लाइन है। आगे बढ़ते हैं लाइफ लाइन की तरफ। तो यहाँ पर आपको लाइफ लाइन को दिखाना चाहूँगा।
लाइफ लाइन है जो बाहर की तरफ निकलती हुई कुछ हद तक यहाँ पर इस चीज़ को भी शो करती है यह लाइन के विदेश जाने के चांसेस रह सकते हैं, फॉरेन ट्रैवलिंग, क्योंकि इनके हाथ में काफ़ी सारी इस तरह की मून एरिया के ऊपर लाइंस हैं जो इनको काफ़ी ट्रैवल करवा सकती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लाइंस मून एरिया के ऊपर नज़र आती हैं यह व्यक्ति को उतनी ही यात्राएँ करवाती हैं। तो यहाँ पर ट्रैवल लाइन्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं और साथ ही साथ लाइफ की लाइन से एक लाइन का बाहर की तरफ निकल कर चलना भी शो करता है घर से दूर जाकर बसने की डिज़ायर को। और ऐसे लोग ज़्यादातर काफ़ी समय घर से दूर बाहर रह सकते हैं और कई कई बार तो ऐसे केसेस भी होते हैं कि लोग परमानेंटली भी सेटल हो जाते हैं जिनके हाथ में कुछ ऐसी लाइंस होती हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि फॉरेन में या घर से दूर कहीं सेटल होने के चांसेस या लंबा समय स्टे करने के चांसेस यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल जो लाइफ रहने वाली है, लाइफ लाइन की लेंथ जो है अगर उसको देखा जाए तो लगभग यहाँ तक लाइन जो 75 से 80 के आसपास की लाइफ को शो करती है, तो लगभग बहुत अच्छी लंबी एज है इनकी, 80 के आसपास की एज तक यह अपनी लाइफ को इंजॉय कर पाएंगे। वरी लाइंस मौजूद हैं इनके हाथ में काफ़ी सारी जो इनको चिंताएं दे सकती हैं, जिसकी वजह से फालतू की चिंताएं कई बार लाइफ में रहती हैं, वरीज रहती हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी वरी लाइन लाइफ लाइन को इफेक्ट नहीं कर रही, तो इनको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मंगल रेखा का होना लाइफ लाइन के साथ साथ और भी लाइफ लाइन को स्ट्रांग करता है और इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस भी यहाँ पर स्ट्रांग होते हैं इस तरह की मार्स लाइन होने की वजह से। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश रहती है कि सारे सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई सवाल या चिन्ह रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।